तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले रतन कहार और बादशाह के बारे में। तो ये वाला स्टोरी मैंने पूरी तरह से कवर कर चुका है अपने प्रीवियस वीडियोस में। जो बादशाह का जो गेंदा फूल सॉन्ग आया है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लिरिक्स है जो कि रतन कहार का है, बट उसके लिए उनको क्रेडिट्स नहीं दिया गया। अब इस चीज के अराउंड बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ एंड फाइनली बादशाह भी रिप्लाई किए इस चीज के ऊपर। एंड अपने रिप्लाई में वो कहे थे कि वो रतन कहार के फैमिली एंड उनको भी हेल्प करना चाहेंगे, नॉट ओनली एज एन आर्टिस्ट बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बींग। तो यहाँ तक सबको पता है कि क्या हुआ, बट इसके बाद रतन कहार भी बादशाह का वीडियो को देखे एंड बादशाह का वीडियो देखने के बाद वो रिप्लाई किए कि क्या वो हेल्प लेना चाहेंगे उनसे या नहीं। बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह उनका अपलोड हुआ यूट्यूब में, ऐसा ही एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि ही इज वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू बादशाह कि उनके सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ एंड पूरे देश भर में एंड दुनिया भर में लोग इसको सुन रहे हैं। एंड वो ये भी कहे कि ही वुड लव टू मीट बादशाह वन डे एंड बादशाह उनका अगर हेल्प करना चाहते हैं तो ही इज एक्सेप्टिंग दैट हेल्प। सो यह दो ही ऐसे इंटरव्यूज मेरे को मिले, तो अगर आपको पूरा इंटरव्यूज उनका देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो दो तीन दिन पहले हिंदुस्तानी भाव अपने इंस्टाग्राम में कुछ वीडियो अपलोड कर दिए थे एंड उस वीडियो के डालने की वजह से बहुत लोग उनको बोलने लगे कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। यही चीज को रिप्लाई करते हुए वो लाइव आए एंड लाइव स्ट्रीम में उन्होंने ये कहा, मेरे पास परसों के दिन एक वीडियो आया था जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा और किसी फैंस ने ही भेजा कि भाऊ देखो ये क्या हो रहा है, तो मैं नहीं समझ पाया। इसके लिए मैं वो इंस्टाग्राम पे डाला कि यार ये क्या हो रहा है मुझे बताओ करके। मैंने किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोला था, मैंने कोई गलत कर रहा है ये नहीं बोला था, मैं सिर्फ ये बोला था कि ये क्या हो रहा है मुझे बताओ करके। पर कुछ लोगों ने उसका मुद्दा बनाया कि भाऊ ने किसी के धर्म के ऊपर बोला। इतने सालों से, इतना टाइम से आप लोग मेरे को जानते हैं, मैंने आज तक किसी धर्म के बारे में, किसी मजहब के बारे में कभी नहीं बोला, ना किसी को बोलने को दिया। तो जब मैंने कभी आज तक किसी को बोलने के लिए नहीं दिया तो मैं खुद कैसा किसी के धर्म के बारे में गलत बोलेगा। बहुत बुरा लगा था मुझे कल जब कुछ लोग इसका मुद्दा बना रहे थे, ना बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैंने किसी धर्म के बारे में या किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ ठीक है, वो गलती था मेरा कि 2 साल पहले का था वीडियो, मुझे पता नहीं था यार, मुझे नहीं पता था, मेरे पास आया था परसों के दिन, तो मैं नहीं समझ पाया इसके लिए उसके ऊपर डाला कि ये क्या हो रहा है मुझे बताओ करके। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं गरीब के बारे में। तो 2 महीना पहले गरीब एक एनिमेशन वीडियो अपलोड किए थे अपने चैनल में जिसका टाइटल था मेरा पहली बार सबवे एंड इस एनिमेशन वीडियो में जो काम किए थे उसका नाम है एनिमेटर भाई। 2 दिन पहले एनिमेटर भाई अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया हाउ गरीब फूल्ड मी। करीब 15 मिनट का वीडियो है, पूरा एक स्टोरी वो बताया अपनी वीडियो में। मैं आपको एक शॉर्ट समरी देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो इस वीडियो में बेसिकली वो बताया कि वो मान गए थे एक शाउट आउट के लिए कि गरीब से उनको एक शाउट आउट मिलेगा फॉर दिस एनिमेशन वीडियो एंड जब ये वीडियो रिलीज हुआ वो देखे कि उनको खाली लास्ट में 5 सेकंड का शाउट आउट मिला है एंड ये भी नहीं मेंशन किया गया कि उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये देखने के बाद उनको काफी खराब लगा था क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट में 15 दिन से भी ज्यादा लगाए थे एंड काफी स्ट्रेस भी हुआ था उनको इस चीज के वजह से। बेसिकली मेंट कि उनको ढंग का शाउट आउट नहीं मिला भाई गरीब एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिम उनको लगा कि गरीब उनको काइंड ऑफ मैनिपुलेट किए। उसके बाद उसने अपलोड कर दिया और मैं देखता हूँ कि उसने आखिर में शाउट आउट दिया है, दिया भी है तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है लेकिन वो उसने वीडियो में बोला तक नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहली बात तो आखिर तक ज़्यादा लोग देखते नहीं है, उसको भी पता है, और उसने कहीं पे भी एक ठीक से मेंशन नहीं किया है। फिर मुझे गुस्सा आया, शाय पर्सन हूँ रियल लाइफ में, मतलब जब भी किसी के बात करने की बात आती है तो गुस्सा था मेरे अंदर। मुझे मतलब इस बात की गुस्सा आ रहा था कि ये बोल रहा था कि मैं ठीक से शाउट आउट दूंगा, और उसने ठीक से दिया नहीं, तो मुझे मतलब मुझे उससे बात करने का तक मन नहीं था। इतना मतलब मुझे दुख हुआ था। मतलब तो क्या हुआ, मैंने जब वो सेकंड चैनल पे वीडियो बनाई तो गरीब की कॉल पे हमारी वापस बात हुई, तो उसने मुझे बोला अरे तेरे को अगर वो शाउट आउट ठीक नहीं लगा तो मेरे पास तू तभी क्यों ना आया वापस बोलने के लिए।
नहीं, क्या आपको इतना भी ठीक से नहीं पता कि मतलब एक बंदे ने आपके लिए आधा महीना एनिमेशन पे काम किया है रात तक बैठ के, और उसने आपसे बार बार यही पूछा था कि शाउट आउट ठीक से देना, शाउट आउट ठीक से देना। बस आपने भी बोला था कि ठीक से दे दूंगा। आपको क्या लगता है कि 5 सेकंड का शाउट आउट वो ठीक वाला शाउट आउट था, वो भी जो आखिर में दिया है, ये आपको ठीक लगता है क्या? आप मैं आपको बताऊं कि शाउट आउट देना कैसे देना चाहिए। गरीब ने मुझसे बोला था कि ही रिस्पेक्ट्स आर्टिस्ट। अब दिख रहा है कितना रिस्पेक्ट्स आर्टिस्ट। अगर उसको आर्टिस्ट की मेहनत के बारे में पता होता तो उसको खुद ये पता होता कि शाउट आउट कैसे देना है। सो ये अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। बट अभी गरीब का रिप्लाई देख लेते हैं इसके ऊपर क्या था। तो जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुआ था उसी दिन गरीब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड लाइव स्ट्रीम में उन्होंने ये कहा। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो मैंने रिसेंट एनिमेशन वीडियो बनाई थी जो आप लोगों को पता होगी, उसके ऊपर कुछ सीन हो गए। सीन तो कुछ नहीं हुए वैसे, अगर आपको पता हो बेसिकली आप लोगों ने देख रखी होगी ये मेरी एनिमेशन वाली वीडियो। ये बेसिकली एनिमेट मैंने नहीं किया था, जो मैंने कह भी दिया था लास्ट में मेरे को एनिमेटेड भाई एनिमेटेड भाई है। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो मेरा छोटा भाई की तरह ही है, बट ही लाइक वो गुस्सा हो गया। उसे ऐसा लग रहा है कि जो शाउट आउट था वो लाइक लेजिट नहीं था या वो सही नहीं था। मैंने उसे पूछा था दो वीडियो डालने से पहले कि यार मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, ये है, ये सीन है, सब कुछ है, तू देख ले शाउट आउट सही है कि नहीं एंड एवरीथिंग। बट उसे बुरा लग रहा है एंड लाइक ही फेल्ट बैड एंड वो डिसअपॉइंटेड है ऐसे करके। तो बेसिकली यही पॉइंट है। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग गाइस सब लोग जाओ एंड जस्ट टेल हिम कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, एंड जस्ट एक बार के लिए गाइस जाके उसे बोल दो बस इतना सा ही है, मेरा पॉइंट ये है। मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने उसको एज अ छोटा भाई की तरह ही रखा था एंड मैंने काम कराया था एंड लाइक आई वॉन्टेड, बस यही था यार। लाइक क्या ही बोलूँ मैं, तो बुरा लग रहा है ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है यार। बट वो बात मुझे कह सकता था, बट कोई बात नहीं, लिंक दे दें। हाँ लिंक दे देता हूँ। तो ऐसा कोई सीन नहीं है यार, मैंने मतलब लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग है यार, मैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से और कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो जस्ट आई वॉन्ट के यार लॉन्डो भाई बंदे ने मेहनत बहुत की थी, मानो ना मानो 15-20 दिन हम लोग लगातार कॉल पे थे, उसने हर एक मेरी चेंजेस तो माना है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद अगर वो ऐसा सोच रहा है एंड ऐसा फील कर रहा है तो मुझे ख़राब लग रहा है। दैट्स द ओनली रीज़न, मैं नहीं चाहता कि उसे ख़राब लगे या वो कुछ भी उल्टा सीधा समझे। गाइस अभी के लिए तो मैं यही कर रहा हूँ, बाकी जाके उसे थोड़ा प्यार दे दो लौंडो। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना बहुत सारा अनाउंसमेंट्स किए हैं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या वो अनाउंसमेंट्स हैं। 20 मिलियन सॉन्ग की आज से स्टार्टिंग, न्यू लेवल वोकल म्यूजिशियन सब डन, अनाउंसमेंट जल्द, ये गाना सबको सरप्राइज करेगा। देन नेक्स्ट 10 दिन में वेब सीरीज की राइटिंग भी खत्म कर दूंगा मैं, वेब सीरीज एक फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरी होगी, एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक काम। देन शॉर्ट फिल्म्स 3 लिख दी है आफ्टर लॉकडाउन, सबको सुनाकर फाइनल करते हैं पहले क्या शूट करना है। सो वो बताए इन फ्यूचर उनके तरफ से क्या क्या कंटेंट आने वाला है, फ्रॉम सॉन्ग्स टू वेब सीरीज टू वीडियोस, बहुत सारा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस कर चुके हैं। सो फॉर ऑल द अमित भड़ाना फैंस, आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चैन के बारे में। तो चैन के कल एक डिस रिलीज किए अगेंस्ट कृष्णा एंड रफ्तार, इस ट्रैक का नाम है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स एंड आई डोंट थिंक अभी तक रिस्पॉन्स आया है कृष्णा एंड रफ्तार की तरफ से। सो इफ यू वुड लाइक टू लिसन टू दिस सॉन्ग, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल भटनागर ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन यश गर्ग ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन इनसेक्शन ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, देन नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड ने कंप्लीट कर चुकी हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली जाकिर खान ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरे इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो कर लेना @neonman01, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, आज का लाइक एम रखते हैं 24,500 लाइक्स, आई नो कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आपके पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हां मैं इसमें, हां अबे बोलना मत, मैं ज्यादा नहीं दे पाएगा, उठा ले सबको दे देना, और एनर्जी ड्रिंक भी उठा ले मेरे पास बिल्कुल नहीं है।
चल 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 घुस 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 चलो घुस घुसो। एनिमीज अहेड। मैं भी इससे मारा बे वेक्टर से। ओ भाई सामने बंदा है। ओपो छत पे है क्या? नीचे आ जा छत पे मत जा बंदा मार रहा। ओहो